और ये सब ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, वो कहा है धारा नैव पतंती, धारा नैव पतंती चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम, यानी चातक पक्षी के मुंह में बारिश की बूंद सीधे नहीं गिरती तो इसमें बादल का क्या दोष। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस को खुद पर अविश्वास है, ये अविश्वास से गिरे हुए हैं, अविश्वास ही उनके पूरी कार्यशैली उनकी सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा है। उनको विश्वास नहीं है स्वच्छ भारत, उसमें भी विश्वास नहीं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उस पर भी विश्वास नहीं, देश के मुख्य न्यायाधीश उन पर भी विश्वास नहीं, रिजर्व बैंक उन पर भी विश्वास नहीं, अर्थव्यवस्था के आंकड़े देने वाली संस्थाएं उन पर भी विश्वास नहीं, देश के बाहर पासपोर्ट की ताकत क्या बढ़ रही है या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का गौरवगान कैसे हो रहा है उस पर भी उनको विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं, ईवीएम पर विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि उनको अपने पर विश्वास नहीं है। और ये अविश्वास क्यों बढ़ गया? जब कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, अपना ही विशेष अधिकार मानते थे, अपना ही विशेष अधिकार मान करके जो बैठे थे, जब ये जनाधिकार में परिवर्तित होने लगा तो जरा वहां पर बुखार चढ़ने लगा, परेशानी बढ़ने लगी, क्योंकि जब प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की परंपराओं को बंद किया गया तो उनको परेशानी होना बड़ा स्वाभाविक था, जब भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार होने लगा तो उनको परेशानी होनी बहुत स्वाभाविक थी, जब भ्रष्टाचार की कमाई आनी बंद हो गई तो उनकी बेचैनी बढ़ गई, ये भी साफ है, जब कोर्ट कचहरी में उन्हें भी पेश होना पड़ा तो उनको भी जरा तकलीफ होने लगी है। महरानों, यहां ऐसे विषयों को स्पर्श किया गया, आजकल शिव भक्ति की बातें हो रही, मैं भी भगवान शिव को प्रार्थना करता हूं, मैं 125 करोड़ देशवासियों को भी प्रार्थना करता हूं, आपको इतनी शक्ति दें कि 2024 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं, यहां पर डोकलाम की चर्चा की, मैं मानता हूं कि जिस विषय की जानकारी नहीं है कभी कभी उस पर बोलने से बात बड़ी उल्टी पड़ जाती है, उसमें व्यक्ति का नुकसान कम है देश का नुकसान होता है, और इसलिए ऐसे विषयों पर बोलने से पहले थोड़ा संभालना चाहिए। हमें एक घटनाक्रम जरा याद रहना चाहिए, जब सारा देश, सारा तंत्र, सारी सरकार एकजुट होकर के डोकलाम के विषय को लेकर के प्रवृत्तिशील थी, अपनी अपनी जिम्मेवारियां संभाल रही थी, तब जो आज डोकलाम की बातें करते वो चीन के राजदूत के साथ बैठते हैं। कभी ना तो कभी हां, जैसे फिल्मी अंदाज में चल रहा था, नाटकीय ढंग से चल रहा था, कोई कहता था मिले, कोई कहता था नहीं मिले, फिर कहते थे मिले, फिर कहते थे नहीं मिले,
क्यों भाई ऐसा सस्पेंस क्यों? मैं समझता हूँ और कांग्रेस प्रवक्ता ने तो पहले साफ मना कर दिया था कि उनके उपाध्यक्ष चीनी राजदूत को मिले ही नहीं। इस बीच एक प्रेस विज्ञप्ति भी आ गई और फिर कांग्रेस ने मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाँ मुलाकात तो हुई थी। क्या देश देश के विषयों कोई गंभीरता नहीं होती क्या? क्या हर जगह पे बचकाना हरकत करते रहेंगे क्या? यहां पर राफेल विवाद को छेड़ा गया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।